दोस्तों मेला महोत्सव की गाड़ी इस वक्त मैं मौजूद हूँ छतरी नंबर 13 पर हरिद्वार रेस्टोरेंट पर ग्वालियर के व्यापार मेले में। अगर आपने हरिद्वार का गायर का हलवा नहीं खाया तो आपने कुछ भी नहीं खाया। 114 वर्षों से ग्वालियर के व्यापार मेले में आ रहे हैं हरिद्वार मिष्ठान भंडार की इस रेस्टोरेंट पे हम यहाँ पर मौजूद हैं और हलवे की जो विशेषता है बड़ा ही शानदार हलवा है। हलवे की क्या विशेषता है कि लोग खींचे चले आते हैं, 10 बजे के बाद कार में बैठ बैठ कर ग्वालियर वासी आते हैं दूर दराज से। हाँ बिल्कुल लाते हैं, बढ़िया ही विशेषता है हलवे की। अब ये तो विशेषता ग्राहक ही जानते हैं, हम क्या बता दें, ये बताओ। अच्छा है तो अभी तो आते हैं, कभी आते हैं और क्या। आप देख सकते हैं हलवा, ये हलवा फेमस है दूर दूर से और बड़े बड़े अधिकारी हमारे सर लोग भी यहाँ पर आते हैं। और साथ में आपको यहाँ पर मिलेगा कढ़ाई वाला दूध, ये बैरंट केसरिया दूध आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और दूध की जो फैट है, फैट का स्टाइल दिखाते हैं आपको। ये हरिद्वार रेस्टोरेंट का ये नज़ारा जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बड़े शौकीन है हरिद्वार के टेस्ट के पूरा ग्वालियर, पूरा इंडिया। और साथ में आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा मैं, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर बहुत बड़ा ग्वालियर व्यापार मेले का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यहाँ पर ये छोले भटूरे, पूरी 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 और क्या है, पूरी आलू सब्जी, पूरी और आलू की सब्जी का भी अचार, अचार अचार में गाजर का अचार, मूली का अचार, नींबू का अचार, ये सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। हरिद्वार के रेस्टोरेंट का नज़ारा जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और साथ में आपको 24 घंटे ये सेवाएं मिलेंगी। ये रसगुल्ला कितना बड़ा है दिखाना थोड़ा। हाँ ये देखिए सबसे बड़ा ग्वालियर व्यापार मेले का सबसे बड़ा रसगुल्ला यहाँ पर मिलेगा आपको हरिद्वार के रेस्टोरेंट पर। और ये देख रहे हैं यहाँ पर फैमिली के लिए यहाँ पर बैठने की व्यवस्थाएं, यहाँ पर बड़ी शानदार यहाँ पर व्यवस्था की गई है हरिद्वार रेस्टोरेंट पर। हरिद्वार वाला रेस्टोरेंट जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और टेस्ट का जवाब नहीं, हमारे साथ में माता जी यहाँ बैठी हैं। माता जी कैसा टेस्ट है हरिद्वार का? बहुत शानदार। आप लोग कहाँ से आएंगे? हम लोग ग्वालियर के हैं लेकिन ये हमारे जेठ जी हैं, ये भरतपुर से आए हैं। अच्छा भरतपुर से आए हैं आप हरिद्वार का टेस्ट लेने? हाँ सर। तो सर कैसा लगा टेस्ट? ये बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी व्यवस्था है और बस सब सामान वगैरह खूब अच्छा है ये। हाँ तो ये व्यवस्था यहाँ पर है। और साथ में यहाँ पर आपके लिए VIP यानी कि जो VIP आते हैं VIP के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर आपके फैमिली के लिए यहाँ पर बैठने की उच्चतम व्यवस्था यहाँ पर की गई है हरिद्वार रेस्टोरेंट के अंदर का नज़ारा जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर। और ये VIP रूम है, VIP रूम में भी आप अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठकर आप हरिद्वार वालों का टेस्ट ले सकते हैं। यानी कि यहाँ की जो स्पेशल डिश है उन डिश का आप स्वाद चख सकते हैं छतरी नंबर 13 पर पिछले 114 वर्षों से ग्वालियर के व्यापार मेले में ग्वालियर वासियों की सेवा कर रहे हैं हरिद्वार रेस्टोरेंट पर। और यहाँ पर फैमिलियों के लिए यहाँ पर बैठने की उच्चतम व्यवस्था की गई है। यहाँ पर मेरे साथ में एक फैमिली यहाँ पर मौजूद है। सर क्या नाम है सर आपका? अपराज है। कहाँ से हैं सर आप लोग? मैं ग्वालियर से। आप ग्वालियर से और आप भी? मैं हाँ जी मैं ग्वालियर से। हाँ तो कैसा लगा यहाँ का टेस्ट? अरे पिछले 40 साल से खा रहे हैं सर। 40 साल हो गए? हाँ 40 साल। हाँ और सर आपको? मुझे 35। आपको 35। फैमिली के लिए उच्चतम व्यवस्था है यहाँ पर। और रात के 10 बजे के बाद तो सीधे कार में बैठ के आते हैं आप लोग भी आते हैं? जी हाँ और भी रहती है। हाँ जल्दी आ गए और कार में भी आते हैं, सीधे कार से। आपको कितने साल हो गए आते हैं? आपको कितने साल हो गए यहाँ आते हैं? 8-10 साल हो गए। तो
फैमिली के लिए भी यहाँ पर अच्छी व्यवस्था की गई है हरिद्वार रेस्टोरेंट पर। मैं कहना चाहूँगा आइए एक बार, अगर आपने ग्वालियर के व्यापार मेले में हरिद्वार का टेस्ट नहीं चखा तो आपने कुछ नहीं चखा। चलिए आपकी बात कराता हूँ भैया से। 114 वर्षों से ग्वालियर के व्यापार मेले में ग्वालियर वासियों को अपना दीवाना बना चुका है हरिद्वार रेस्टोरेंट। और मेरे साथ में प्रकाश चंद्र जी आदरणीय अंकल जी मेरे साथ मौजूद है। अंकल जी, हाँ जी, बार से ग्वालियर के व्यापार मेले में आपको 114वां वर्ष है, तो कैसा लग रहा है? ग्वालियर वासी कितना प्यार दे रहे हैं हरिद्वार रेस्टोरेंट? मुझे इस शहर का इतना प्यार मिलता है और इस शहर से हम इतने ज़्यादा खुश हैं कि बहुत ही ज़्यादा, और इनका प्यार ही हमें बार बार यहाँ खींच लाता है। हम अपने ये प्यार सुबह से तो चलता है पर रात के 10 बजे के बाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये तो आपकी और जनता की मेहरबानी है जो साहब हमें इस तरह चाहते हैं, और हम अपनी जनता को उसी तरह से जोड़े रखना चाहते हैं। शुद्ध देसी घी का हलवा, देसी घी का हलवा तो फेमस ही है, और शुद्ध देसी घी की ही पूड़ी मिलेगी आपको। शुद्ध देसी घी की पूड़ी, पूड़ी हलवा दम आलू, और ये आइटम जितने भी हैं हमारे साहब बहुत अच्छे कारीगरों से बनवाए जाते हैं और बहुत ही शुद्ध रखे जाते हैं। बहुत शुद्ध साकार। हाँ हाँ दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा अगर ग्वालियर के व्यापार मेले में आप आते हैं तो एक बार छतरी नंबर 13 पर आइए हरिद्वार के रेस्टोरेंट पर। आपने अगर हरिद्वार का हलवा नहीं चखा तो आपने मेले में कुछ नहीं चखा। आइए छतरी नंबर 13 पर हरिद्वार के इस रेस्टोरेंट पर। 114 वर्षों पुराना ये रेस्टोरेंट इस बार ग्वालियर के व्यापार मेले में 2023 में वही स्वाद जो 114 वर्ष पहले था आज तक बरकरार है छतरी नंबर 13 पर।